एक कमीनी जात नरसिंह आनंद, मैं तो बोलता हूँ ढोकला स्वामी है, देश का माहौल खराब करना और FIR होके कि उसको यहाँ पे लाए यहाँ की कोर्ट में और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम यहाँ से निकल रहे हैं मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे। सेक्युलर पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता इसे इंसिडेंट पर। एक इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नईम खान साहब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की तरफ से है। इंशाल्लाह हम जब तक एक कानून नहीं बनेगा इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज एक कमीनी जात नरसिंह आनंद जो अपने आप को एक स्वामी बुलाता है, मैं तो बोलता हूँ ढोकला स्वामी है वो, और कई लोग उसको मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको रिलीजियस प्रीचिंग ही नहीं आती, एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलना और हारमोनी ख़राब करना, लोगों में बेचैनी लाना, देश का माहौल ख़राब करना, ये कोई भी मज़हब नहीं सिखाता, कोई भी स्वामी प्रीच नहीं करता। ये ढोकलेबाज अपने आप को मुसलमानों के खिलाफ बताना बोलना ताकि उनको झूठी शोहरत मिले। तो हम लोग ने मैडम की हिदायत पे, MLA मैडम कनीस फातिमा जी की हिदायत पे और फराजुल इस्लाम साहब के मशोरे पे और गाइडेंस पे, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब नईम खान साहब ने और ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब सैयद अहमद साहब, एक्स मेयर साहब, मज़र आलम खान साहब, वाहिद अली फ़तेह खानी साहब और यंग लीडर जनाब जैदुल इस्लाम साहब, मेरे साथी कॉरपोरेटर कोहली कॉरपोरेटर, तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस पे FIR हो और FIR हो के ये भी देखा जाए कि उसको यहाँ पे लाएं यहाँ की कोर्ट में और उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसे इश्यूज पे स्टर्न एक्शंस नहीं लिया जा रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कानून के दायरे में रहते हुए कि ये इंसिडेंट को एक नतीजा, एक प्रेसिडेंट बनाए, एक मिसाल बनाए पूरे देश में, ताकि ऐसे प्रीचर्स जो हैं, जो झूठे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो तमाम लोग यहाँ पे जो मौजूद थे शिद्दत में, गुस्से में, उन्होंने पानी पी लिया गुस्से का, नहीं तो बहुत ही बड़ा इत्तेदाद होने वाला था, बहुत ही मामले अलग होने वाले थे। क्योंकि ये ख्वाजा बंदे नवाज शरण बसवेश्वर अप्पा की ज़मीन है, सेक्युलर लोग रहते हैं यहाँ पे, ये मामले को गुस्से को पी लेके बर्दाश्त करके एक FIR करा के हम यहाँ से निकल रहे हैं मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे ये मामले को। वो आगे जिस तरह से यहाँ पर तमाम माइनॉरिटी विंग FIR करने के लिए आई है, एहतजाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जिस तरह से माइनॉरिटी विंग यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जितने भी लीडर्स हैं, सेक्युलर पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता इसे इंसिडेंट पर, ना कोई आपके MLA इसके ऊपर कोई ट्वीट करते हैं, ना कोई बात करते हैं, तो जिस तरह किस तरह से आप लोग मुसलमानों के साथ आपका हाईकमांड काम कर रहे हैं? हमारा हाईकमांड या कांग्रेस पार्टी बोलो, कभी भी सेक्युलर माइंड कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को BJP किनारा कर रही है। वजह क्या है? हिंदुत्व को मानता कौन है? BJP मानता है। सेक्युलर पार्टी कांग्रेस नहीं मानती है, बोल के BJP की ये षड्यंत्र है, ये एक चाल है जो कॉर्नर कर रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो भाईचारा पे यकीन करती है, उनका सेक्युलर माइंड है और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने का उनका लक्ष्य है। जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की बात है और हमारे लीडर्स की बात है, बराबर हर बात पे वो हमको इंटरनली या एक्सटर्नली या मॉरली हमको सपोर्ट करें हर इशू में, और उन्होंने कभी भी ज़रूरत पड़ी तो जो मामले हैं उसको हमको गाइड करें और ट्वीट भी करें, शायद आपकी नज़र में नहीं आया होगा। बड़े लीडर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है तो सारा का सारा कांग्रेस का हाईकमांड हो या जो है लीडर्स हो वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, मगर इन चीज़ों में हाईकमांड हो या पार्टी के बड़े लीडर्स हो क्यों साथ एक साथ नज़र नहीं आते? नहीं देखिए, आज जो इंसिडेंट हुआ है एक इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नईम खान साहब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की तरफ से आया, जिसकी वजह से हम लोग ने इमीडिएट एक्शन लिए। ये मामले में भी हमारे बड़े लीडर्स इन्वॉल्व होंगे और इस पर बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले अमरुल इस्लाम साहब ने कहा कि भाई इस पे कानून बनेगा, क्योंकि हमारा संविधान राइट टू स्पीच देता है बट नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर रिलीजन अदर सेंटीमेंट्स का एक संविधान है। कर्नाटक स्टेट में जितने भी मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, MLA हो, MLC, तो क्या उनकी तरफ से आईवानों में इसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी कानून बनाने के लिए, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम मुसलमानों के और हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं MLA मैडम कनीस फातिमा जी, फराजुल इस्लाम साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान साहब हैं, साथ ही कॉरपोरेटर्स हैं, चेयरमैन हैं, ये तमाम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द
पूरे कायदीन से मिलके एक बेहतरीन तरीके से एक कानूनी शक्ल कैसे दी जा सकती है ऐसे स्टेटमेंट्स को, उस पर बराबर गुफ्तगू करेंगे और बराबर उस पर एक्शन लेने के नतीजे के लिए रोकेंगे। इस पर जो है ना पार्लियामेंट में जो है ना असेंबली में जो है ना इस पर चर्चा होनी चाहिए कानून को लेकर, होनी चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है और मुझे जहाँ तक मालूम है इस पर कुछ कानून है, मगर उसमें क्या चीज़ चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मेरे ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें स्टर्न स्ट्रिक्ट और एडमेंट सेक्शंस लगाना चाहिए, विच मीन्स कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो कानून है इट इज़ फॉर 2-3 ईयर्स तुम्हारे को जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ता है, मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए और लाइफ भी दे तो बेहतर रहेगा। तो ये हमारा प्रपोजल रहेगा, ये हमारा लीगल वे ऑफ प्रपोजल रहेगा और इंशाल्लाह हम जब तक एक कानून नहीं बनेगा इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे।